हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त इमरान अथर और आप सबका मेरे चैनल टेक्निकल सिमरा में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने ईमेल आईडी का मोबाइल नंबर पता कर सकते हैं या फिर अपने ईमेल आईडी का मोबाइल नंबर को कैसे चेंज किया जा सकता है। आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो अपने ईमेल आईडी का नंबर जानने या फिर ईमेल आईडी का मोबाइल नंबर को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का ईमेल को ओपन कर लेना है। मोबाइल के ईमेल ऐप को ओपन करते ही आपका इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में आपको अपने ईमेल आईडी के इमेज वाले आइकन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपका इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब इस पेज में आपके सारे ईमेल आईडी ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप जिस ईमेल आईडी का मोबाइल नंबर जानना चाहते हैं या फिर चेंज करना चाहते हैं आपको उस ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप अपने ईमेल आईडी को सेलेक्ट कीजिएगा फ्रेंड्स, तो वो ईमेल आईडी जो है वो आपका सबसे टॉप में चला जाएगा। अभी इस ईमेल आईडी का मोबाइल नंबर जानने के लिए या फिर मोबाइल नंबर को चेंज करने के लिए आपको सिंपल यहाँ गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, जैसे आप इस गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके इस ईमेल आईडी का जो इन्फॉर्मेशन है वो ओपन हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ से आप अपने ईमेल आईडी के साथ जो करना चाहते हैं फ्रेंड्स वो कर सकते हैं। जो भी चेंजेस करना चाहते हैं या फिर जो कुछ भी अपना इन्फॉर्मेशन चेक करना चाहते हैं वो सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अब यहाँ अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं या फिर मोबाइल नंबर को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपका इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जितना भी इन्फॉर्मेशन है ईमेल आईडी में जो भी आपने डाला इन्फॉर्मेशन वो सारा का सारा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड देख सकते हैं, अपना ईमेल आईडी देख सकते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ से चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, और अपना डेट ऑफ बर्थ और भी बहुत कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब अगर आप अपने ईमेल आईडी का मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं फ्रेंड्स, इसको हटा के दूसरा मोबाइल नंबर लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे नंबर पे क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर पे क्लिक करते हैं आपका इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको दोबारा से इस मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। इस पे क्लिक करते हैं आपका इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब मोबाइल नंबर को चेंज करने के लिए आपको सिंपल इस एडिट वाले बटन पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। पेन का आइकन जो बना हुआ है इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपका इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में आपको अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड डालना है फ्रेंड्स। ईमेल आईडी का पासवर्ड डालिएगा तभी आपका जो मोबाइल नंबर है वो चेंज हो पाएगा। ईमेल आईडी का पासवर्ड डाल देने के बाद आपको फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपका दोबारा से वही पिछले वाला पेज ओपन हो जाएगा इस तरह से। अब इस पेज में आपको दोबारा से पेन वाले आइकन पे क्लिक करना है इस नंबर को एडिट करने के लिए या चेंज करने के लिए फ्रेंड्स। उसके बाद इस पेज में अब आपको अपडेट नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। जैसे आप अपडेट नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना नंबर चेंज करना है फ्रेंड्स। तो नंबर चेंज करने के लिए आपको सिंपल पहले वाले नंबर को मिटा देना है। उसके बाद यहाँ पे नया वाला नंबर आपको टाइप कर देना है जिस नंबर को आप दोबारा से ईमेल आईडी में अपना लगाना चाहते हैं चेंज करके, उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। अपना नया मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं आपका इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको इस मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है फ्रेंड्स। तो वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल गेट कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप गेट कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स आपके इस मोबाइल नंबर में 6 डिजिट का OTP जाएगा। आपको उस OTP नंबर को यहाँ पे भरना है, उसके बाद फिर वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि मेरा 6 डिजिट का OTP आ गया है फ्रेंड्स। अब मैं उसे इस बॉक्स में भरूंगा और इस वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करूंगा फ्रेंड्स मेरा जो मोबाइल नंबर है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुराना नंबर हट के अब नया मोबाइल नंबर यहाँ पे चेंज हो गया है फ्रेंड्स, सेव हो गया है। अब मैं अपने इस ईमेल आईडी में जो भी काम करूंगा फ्रेंड्स, अगर मुझे पासवर्ड चेंज करना होगा या फिर जो कुछ भी अपडेट करना होगा तो जो कुछ भी मैं करूंगा तो उसका जो भी OTP या फिर इन्फॉर्मेशन आएगा फ्रेंड्स इस नए नंबर में आएगा, ना कि उस पुराने नंबर पे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने ईमेल आईडी का जो मोबाइल नंबर है वो चेक कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल टेक्निकल सिमरा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।